सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए ऋजु दत्ता जी, टीएमसी में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ममता बनर्जी और उनके अभिषेक बात करें भतीजे अभिषेक बनर्जी के अलावा और कोई रह नहीं जाएगा। देखिए जितने लोगों का टिकट काटा, लगभग ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए और उन्हें टिकट मिल जाए, फिर कैसे जीतेंगी दीदी? चित्रा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, हमने तो बहुत एमएलए को टिकट नहीं दिया इस बार, उसके कई कारण है, किसी के हेल्थ रीजन है, किसी का उम्र ज्यादा है और किसी के नाम पे कंप्लेंट्स है। तो वैसे अगर बीजेपी चाहे तो हमने तो उनको उम्मीद के 30-40 कैंडिडेट दे दिए, वैसे उनके पास 294 सीट के लिए 56,000 एप्लीकेशन वैसे है। और दूसरा बात आपने पूछा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, दिल्ली इलेक्शन से पहले भी आप छोड़ के 27 एमएलए बीजेपी ज्वाइन किए थे। ये बीजेपी का स्टाइल है लोगों का पार्टी को तोड़ना। उसके बाद इतना बड़ा तमाचा पड़ा था बीजेपी को कि गाल लाल हो गया था। अब बंगाल में ये जो इतना हमारे टीम से उन्होंने लिया है, अरे आपको दिल्ली दिखाई दे रहा है, बिहार भी तो देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों ने आखिरी मोमेंट पे पूरी तरह से पासा पलट दिया। चित्रा जी, आपको याद दिला दूं, आपने बिहार बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। बिहार में तेजस्वी यादव उनके रैलीज में जितने भीड़ हो रहे थे, अगर भीड़ के ऊपर राजनीति होती और भीड़ के ऊपर अगर सत्ता होता तब आज तेजस्वी चीफ मिनिस्टर होता बिहार का। तो भीड़ एक चीज होता है और उसका इलेक्टोरल में कन्वर्शन एक दूसरा चीज होता है। और मैं आपसे लागू होती है ना, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा चित्रा जी, गौरव भाटिया, आप कल सुबह सिर्फ झारखंड और बिहार का पॉपुलेशन सेंसस ले लीजिएगा और फिर परसों सुबह का ले लीजिएगा मोदी जी के रैली के बाद, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गौरव भाटिया, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तो बहुत उत्साहित है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है टीएमसी के जितने नेता छोड़ छोड़कर टीएमसी से जा रहे हैं, बीजेपी सबके वेलकम के लिए इतनी बेताब क्यों नजर आ रही है बंगाल में? नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको भी। देखिए, सिर्फ बीजेपी उत्साहित नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल जाएंगे, ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो रैली होने जा रही है ये ऐतिहासिक होगी और बंगाल की जनता बहुत उत्साहित है कि नरेंद्र मोदी जी वहां आ रहे हैं। और जैसा कैलाश विजय वर्गीय जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय राजनीति के सुपरस्टार हैं, हर भारतीय के दिल में है और इनकी सोच संकुचित है, तभी ये हम लोगों को कभी कभी बाहरी भी बुला देते हैं। लेकिन नंदीग्राम में अगर ममता बनर्जी को कोई बाहरी बुला दे तो इनको बड़ी परेशानी होती है। चित्रा जी, आप जरा आकलन करिए, जहां से 8 इलेक्शन ममता बनर्जी जीती, 30 साल या एमपी रही या एमएलए और चीफ मिनिस्टर रही, वो भवानीपुर की सीट क्यों छोड़ी? घबराई होंगी, डरी होंगी, नर्वसाई होंगी, तभी तो भाग के गई। और देखिए, जहां वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो 40 साल से अगर किसी परिवार ने नंदीग्राम के लोगों की सेवा करी है तो वो शुभेंदु अधिकारी जी हैं और शुभेंदु अधिकारी जी वहां की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो बंगाल तय कर लेगा जब टिकट की घोषणा हो जाएगी कौन लड़ रहा है, कि वो अपने पुत्र के साथ है या जैसा ममता दीदी कहती है कि बंगाल की बेटी वो बेटी के साथ है। दूसरी बात, मैं दिनेश त्रिवेदी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, कोई ये नहीं कह सकता कि वो कद्दावर नेता नहीं थे, वो केंद्र मंत्री रहे और बहुत हद तक उन्होंने जब रेलवे मिनिस्टर थे एक बड़ा योगदान जो है वो देश के लिए दिया। तो आज अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और कहते हैं नरेंद्र मोदी जी में उनकी आस्था है, ठीक है, और टीएमसी जंगल राज का प्रतीक बन गई है और विचारधारा का परिवर्तन अब आवश्यक हो गया है, क्या ये नहीं दर्शाता कि ममता बनर्जी कमजोर हो गई? ऋजु दत्ता जी उनका दम घुट रहा था और उनके जो सिपा सलार रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी, पहले अधिकारी गए फिर तिवारी गए उसके बाद अब त्रिवेदी भी चले आए बीजेपी में। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, गौरव भाटिया जी ने बहुत अच्छे अच्छे कुछ बातें कही, मैं उनका एक एक करके जवाब दूं। पहले उन्होंने दिनेश त्रिवेदी जी का बात बोला, दिनेश त्रिवेदी जी तो पार्लियामेंट में सांस नहीं ले पा रहे थे, तो मुझे लगता है भाजपा अभी वॉशिंग मशीन से आईसीयू वार्ड बन गया, ऑक्सीजन सिलेंडर, शायद आज दिनेश त्रिवेदी जी कुछ सांस ले पा रहे हैं, उनके लिए ही अच्छा है, चलो भला है। उन्होंने कहा शुभेंदु अनिल नंदीग्राम, आपको याद दिला दूं गौरव जी, जब शुभेंदु अधिकारी 81,000 वोट से जीता था तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फोटो था, वो था ममता बनर्जी, अभी वो नहीं है, देखिएगा उसका हालत क्या होता है। शुभेंदु अधिकारी जी अपना जगह भूल गए, वो पता चल जाएगा 2 मई को।
तीसरी बात उन्होंने कहा मोदी जी आएंगे और मोदी जी भाषण देंगे। देखिए मोदी जी का भाषण हम लोग हर महीने उनकी मन की बात सुनते हैं, पर हमारा दुर्भाग्य यह है कि मन की बात में कभी हम लोगों ने काम अरे 2019 के युवाओं के लिए आपको पता है 42 सीटों में से 17 जगहों पर पीएम ने रैली की, 9 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी रिजु दत्ता जी, और 22 सीटों पर आप लोगों को लाकर खड़ा कर दिया था, भूल गए आंकड़ा। चित्रा जी, चित्रा जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार है चित्रा जी, जनरल इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में फर्क यह है कि जनरल इलेक्शन देश के हित में होता है और विधानसभा घर की मातृभूमि के लिए और इस प्रदेश के लिए होता है।